नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र में हम लोगों ने अभी तक 16 यक्षिणियों के बारे में बात कर लिया है। 16 यक्षिणियों की साधना कैसे होती है, उनको अपने वादा में आप बंद कैसे कर सकते हैं, उनसे क्या काम होता है, क्या काम कराया जा सकता है, ये सारी बातें हमने की है। आज जिस यक्षिणी की बात करेंगे, ये 17वें नंबर पे आती है, इनका नाम है विकाला। विकाला यक्षिणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी साधक हैं जो कि घर से बाहर रहते हैं, वो इस यक्षिणी को साध कर रखते हैं। इस यक्षिणी को रखने से ये फायदा है कि ये एक यक्षिणी हर तरह के काम को करती है। तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि एक ऋषि था जिसने एक यक्षिणी को रखा था, या फिर कोई एक साधक था, कोई एक अघोरी था जो एक यक्षिणी को रखा था जो उसके हर काम को करती थी। तो 90% जगह पर वो यक्षिणी विकाला होती थी। अभी तक जिन यक्षिणियों के बारे में हम लोगों ने, साधनाओं के बारे में हमने जान लिया, तो वो थी विचित्रा, विभ्रमा, हमसी, भीषणी, जनरंजिका, विशाला, मदना, घंटा, कलकर्णी, महाभया, महेंद्री, शंखिनी, चंद्री, शमशाना, वट यक्षिणी या फिर वटवासिनी यक्षिणी और मेखला। तो ये जो 16 यक्षिणियों के बारे में मैंने बताया था, हर एक यक्षिणी का अलग अलग काम है और किस तरीके से उनकी साधना की जाती है ये मैंने बताया। मेखला और मदन मेखला, इनके दोनों रूप के बारे में हमने बताया था। देखो, यक्षिणी साधना में, क्योंकि ये यक्षिणी साधना आज नहीं बना है, बहुत सालों पहले बना था, युगों पहले बना था, कालखंड पहले बना था, और जो युग है, जो 3 युग है उसमें पहले बना था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं यक्षिणी साधना में जो कि मिलना मुश्किल है। अब जैसे किसी एक साधना में इतनी गिनती बताई गई थी कि उतना गिनती एक रात में हो नहीं सकता, तो फिर ऐसा बात लिखा क्यों गया? क्योंकि सतयुग में दिन लंबे होते थे, ऐसा माना जाता सतयुग में दिन लंबे होते थे, इंसान का जो शरीर था वो लंबा होता था, उसके बाद जीवन लंबा होता था, करीब 2400 साल सतयुग में लोग जीते थे। जैसे जैसे युग घटता जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, या फिर जो क्वालिटी ऑफ युग है वो कम होता जा रहा है, तो साल की गणना, दिन की गणना, इंसान के जीवन मृत्यु की गणना, सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो साधनाएं तो वही हैं, तो वो अब जो है उसको एडजस्ट करते हैं लोग, लेकिन एडजस्ट करने से उसका वो रिजल्ट नहीं होता मिलता। विखाला यक्षिणी के बारे में अगर बताएं तो इनकी ऐसी साधना है और इतनी सीधी सौम्य साधना है कि हम आप में से हर कोई इसको कर सकता है। इनके बाद जो यक्षिणी है जिनके बारे में हम लोग, जिनकी साधना के बारे में हम जानेंगे, वो लक्ष्मी यक्षिणी है। देखो, लक्ष्मी यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जिसको गृहस्थ सिद्ध करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको घर में ही सिद्ध किया जाता है और इनको सिद्ध करने के बाद घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी यक्षिणी और सरस्वती यक्षिणी, ये दो ऐसी यक्षिणियाँ हैं जिनका वर्णन उद्यमेश्वर तंत्र में भी आता है, काली किताब में भी आता है और जैन तंत्र में भी आता है। इसके अलावा बहुत सारी और यक्षिणियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे तांत्रिकों के लिए कपालिनी यक्षिणी की साधना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण यक्षिणी की साधना है। नटी है, जिनको आर्ट के क्षेत्र में जाना है उनके लिए नटी साधना बताऊँगा। तो अभी आज इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बिल्कुल ही हम उद्यमेश्वर तंत्र के मध्य में आ गए हैं। जितना हम लोगों ने आज तक ट्रैवल कर लिया है उतना ही और आगे की यात्रा भी बाकी है। तो आते हैं विकाला यक्षिणी पे। विकाला यक्षिणी आपके हर काम करती है, ठीक है। मतलब अगर बोला जाए, अभी तक जितनी यक्षिणियों के बारे में हमने बताया, वो सब उनका एक अलग अलग पर्पज़ था, वो उसी पर्पज़ को फुलफिल करती हैं। लेकिन विकाला एक ऐसी यक्षिणी है जो आपके हर काम को करेंगी, आपको धन दौलत भी ला के देंगे, आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे, आप पे किसी बीमारी का प्रभाव नहीं होने देंगे, आपको जो वृद्धावस्था है उससे दूर रखेगी, जो आप मांगोगे वो देगी और साथ में आपको शक्ति और बल भी देती है। विकाला यक्षिणी की साधना
शुक्रवार और अगर वो पूर्णिमा या अक्षय तृतीया हो तो सबसे उत्तम रहता है। अगर ये योग ना बन रहा हो तो शुक्रवार हो या पूर्णिमा हो या अक्षय तृतीया हो, इस दिन से आप इनकी साधना शुरू कर सकते हैं। रात में इनकी साधना होती है 9:30 बजे के बाद और इनकी साधना 3 महीने तक चलती है। ठीक है, क्यों 3 महीने चलती है? क्योंकि इनकी साधना में जो सबसे कठोर नियम है वो ये है कि जिस स्थान पर आप इनकी साधना कर रहे हैं वो गुप्त होना चाहिए। मतलब वहाँ किसी का प्रवेश ना हो, किसी को पता ना हो आप वहाँ साधना कर रहे हैं। और 3 महीने आपको अपने भोजन, रहने खाने की व्यवस्था लेकर उस जगह पर रहना होता है। तो हमेशा से इस तरह की साधनाएं गुफाओं में की जाती थी। अब गुफा नहीं मिलती तो आपको ऐसा किसी घर का व्यवस्था करना हो जहाँ कोई भी आपका परिचित ना आए और आपको कोई टोके ना। तो ऐसी जगह पे आपको 3 महीना रहना है और सिर्फ इनके मंत्र का जाप करना है। 3 महीने आपके निजी कर्म के साथ जब आप इनका जाप करते हैं तो ये प्रसन्न होकर के आपके सम्मुख खड़ी हो जाती है। इनकी साधना को बहुत ही सात्विक ढंग से करना होता है। सात्विक ढंग से करने का मतलब क्या है? आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, आपको ज़मीन पर सोना होगा, महिला का स्पर्श, उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन, यहाँ तक कि दृष्टि में भी महिला नहीं आनी चाहिए। जिस जगह पे आप इनकी पूजा कर रहे हैं आप जो आपके आसन से ऊपर इनका आसन होना चाहिए और तामसिक प्रकार के हर तरह की चीज़ों से आप दूर रहेंगे। जो 3 महीना आपको इनका जाप करना है वो मंत्र है ओम विकाले एम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। ओम विकाले एम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम विकाले एम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। तो देखिए, एक ही मंत्र है यक्षिणी का जिसमें कि 4 बीज आए। तो इसमें आपको शक्ति का भी बीज है, इसमें उग्र बीज भी है, इसमें सरस्वती का बीज भी है और इसमें लक्ष्मी का बीज भी है। तो चारों बीज, जो शक्ति के सारे रूप है उनकी भी आ गया, उनका जो भी बीज है वो आ गया, जो स्त्री बीज होता है वो भी आ गया और जो उग्र बीज है वो भी आ गया। तो इसकी साधना 3 महीने गुप्त जगह पर करेंगे। तो ये भगवती इनको वचनबद्ध कर लेना कि जब बुलाऊं तब आप आ जाओ और उसके बाद जो जो आपके विशेष हैं वो ये फुलफिल करें, ऐसे इनसे वचन ले लेना। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी पर कृपा बरसाए रखे, ऐसे ही मेरी कामना है। बेसिक साधना बंधन वंदन मंत्र भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो अ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।